डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ सी मची है और इसके लिए औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विकास की इस होड़ में हम यह भूल गए हैं कि हम इसे किस मूल्य पर हासिल करना चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि विकास के लिए हम पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तेल से लेकर कोयला एवं जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में विद्यमान हैं। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 8 अरब से भी अधिक हो जाएगी और जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध ही नहीं होंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करना होगा। अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों एवं वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल यह बताया है कि हम अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के बचाव के मद्देनजर ही सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन का कहना है, हमें यह निश्चित करके चलना चाहिए कि पूरे विश्व में वृद्धि के वास्तविक एवं सतत स्रोत हों। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में भी कटौती न हो। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के रूप में निरंतर चलता रहता है। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का कहना था, हमें देश के संसाधनों का प्रयोग मानवता के लाभ के लिए करना चाहिए। औद्योगिकरण के कारण वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हुई है, फलस्वरूप विश्व की जलवायु में प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है, साथ ही समुद्र का जल स्तर बढ़ जाने के कारण आने वाले वर्षों में कई देशों एवं शहरों के समुद्र में जलमग्न हो जाने की आशंका है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे। इन्वायरमेंटल डाटा सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार लोगों एवं राष्ट्रों की सुरक्षा, भोजन, ऊर्जा,
पानी एवं जलवायु इन चार स्तंभों पर निर्भर है। ये चारों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और ये सभी खतरे की सीमा को पार करने की कगार पर हैं। पाई पेराचेंज अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मानव विश्व के संसाधनों का इतनी तीव्रता से दोहन कर रहा है कि पृथ्वी की जीवन को पोषित करने की क्षमता तेजी से कम हो रही है। वर्ष 2030 तक विश्व की जनसंख्या के 8.3 अरब से अधिक हो जाने का अनुमान है, जिसके कारण उस समय भोजन एवं ऊर्जा की मांग 50% अधिक तथा स्वच्छ जल की मांग 30% अधिक हो जाएगी। भोजन ऊर्जा एवं जल की इस बढ़ी हुई मांग के फलस्वरूप उत्पन्न संकट के दुष्परिणाम भयंकर हो सकते हैं। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर गया। दुष्परिणाम स्वरूप विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया। इसलिए 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देना शुरू किया। साथ ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1985 में वियना सम्मेलन हुआ एवं इसकी नीतियों को विश्व के अधिकतर देशों ने वर्ष 1988 में लागू भी किया। वर्ष 1987 में ओजोन परत मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। आज विश्व के 197 राष्ट्रों के साथ साथ भारत भी इस समझौते को ईमानदारी पूर्वक निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पूर्ण रूपेण पालन किए जाने पर वर्ष 2050 तक ओजोन परत के ठीक हो जाने की संभावना जताई जा रही है। इस विषय से संबंधित कई और समझौते एवं सम्मेलन विश्व के कई अन्य शहरों में भी किए गए। वर्ष 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल में तय किया गया कि विकसित देश पृथ्वी के बढ़ते तापमान से दुनिया को बचाने के लिए अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएंगे। दिसंबर 2009 में संपन्न कोपेनहेगन सम्मेलन का उद्देश्य भी पर्यावरण की सुरक्षा ही था। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार परिवहन, इमारत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के उपाय अपनाकर प्रतिवर्ष भारत सहित अमेरिका, चीन, ब्राजील, यूरोपीय संघ एवं मेक्सिको में वायु प्रदूषण से होने वाली 100,000 मौतों पर वर्ष 2030 तक रोक लगाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली के 69वें सत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सतत विकास की पूंजी कहा गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने इस सत्र में कहा था, शिक्षा मौलिक अधिकार होने के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। माता पिता को स्वास्थ्य एवं आहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी शुरुआत करें जिसके वे अधिकारी हैं, उन्नत राष्ट्र कुशल एवं शिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर रहता है। गरीबी दूर करने की चुनौतियां स्वीकारने एवं जलवायु परिवर्तन को रोकने तथा आने वाले दशकों में उचित सतत विकास हेतु हमें मिलजुल कर काम करना होगा। भारत सरकार द्वारा भी
इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें वनारोपण एवं सामाजिक वानिकी, मृदा संरक्षण, प्रतिभूमि विकास, वाटरशेड प्रबंधन, शुष्क कृषि विकास की अवधारणाएं प्रमुख हैं। स्टॉप।